सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के 14वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। यह बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच, अन्नाद भवन्ति भूतानि प्रजन्याद अन्न संभवः यज्ञात भवति प्रजन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। अर्थात संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है। वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होता है। अब हम लोग समझेंगे इस श्लोक में कुछ ऐसे पद आए हैं जिसके ऊपर विद्वानों के बीच में बहुत बहस होती है और कुछ लोग इस पर आपत्ति उठाते हैं, इसे गलत भी बता देते हैं, परंतु हम इसे उस भाव से समझेंगे जिस भाव से भगवान ने संदेश दिया है और जो हमारे शास्त्रों में पहले से संकेत दिए गए हैं, पहले से ही कुछ ऐसी बातें बताई गई है, यानी यह वेद सम्मत है, तो श्रुति के प्रमाण से भी इसे देखा जाएगा। यहाँ पर है कि अन्न से सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं। श्रुति में भी कहा गया है, तैत्तरीय उपनिषद में भी है, अन्नाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति। यह तैत्तरीय उपनिषद में बताया गया है कि सारे प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही वे जीवित रहते हैं। और फिर यह भी बताया गया है, अन्नम प्रंत विषम विषंतिति, यानी अन्न में फिर वे प्रवेश भी कर जाते हैं। तो अन्न से सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं, अन्न से वे जीते हैं और अंत में अन्न में ही वे प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ पर अन्न क्या है? प्राणों को धारण करने के लिए जो कुछ भी ग्रहण किया जाता है वह अन्न कहलाता है। अष्टाध्यायी में बताया गया है कि अधभक्षणे धातु से त प्रत्यय करने पर अधो अन्नने इस तरह से, इस सूत्र के निपात से अन्न शब्द बनता है।
यानी अन्न वह है जिसका हम भक्षण करते हैं, जिसे हम खाते हैं, यानी जिन जिन पदार्थों को हम ग्रहण करते हैं स्थूल स्वरूप में, वे सारे पदार्थ अन्न कहलाते हैं। अब ये जो भौतिक अस्तित्व है इसको यहाँ पर अन्न कहा गया है, स्थूल भौतिक स्वरूप है उसे अन्न हम लोग कहते हैं, और इस अन्न को खा करके ही हम जीवित रहते हैं, और जब हम मरते हैं तो हमारे जो भौतिक शरीर के तत्व हैं वे इस भौतिक तत्व में मिल जाते हैं। यानी हमारे शरीर का यह जो पहला वो हिस्सा है, बाहरी जो परत है, यह अन्नमय है। मांस, हड्डी, रक्त, मेज, मद्दा, तो मज्जा, वीर्य, ये सब जितने हैं ये सब पहली परत हैं, पदार्थ हैं, अन्नमय हैं। तो हमारे सारे अंग जो हैं वे एक तरह से अन्न कहे जाएंगे। अब इसके बाद है, और यह सबके देखने में आता है, यानी वीर्य और रज मिल जाते हैं और मिल करके किसी युग्म का निर्माण करते हैं, फिर उनसे तंतुएं विकसित होती हैं और उनसे अंग विकसित होते हैं पदार्थों के सेवन से, पदार्थों के संयोग करते करते, यानी पदार्थों को वह जोड़ते चला जाता है और अंग विकसित हो जाते हैं। तो अन्नाद भवन्ति भूतानि। इसके बाद है प्रजन्याद अन्न संभव। और वृष्टि से ही अन्न संभव है, वृष्टि से ही अन्न संभव है, यह एक सामान्य सा मामला है समझने के लिए। यहाँ वृष्टि जो है वह तो आप सामान्य रूप से जो समझ रहे हैं वह तो है ही, जो पानी पड़ता है तो पानी से ही अन्न उग जाते हैं, या तो सभी लोग देखते हैं कि पानी और बीज का संपर्क होता है तो कोई चीज अन्न उपजता है। तो यहाँ पर यह समझिए कि वह जो है यह जो दूसरी परत है वह जो प्रजन्य है, इसे सामान्य जल बादलों से मिलकर बनता है। अगर इसे भौतिक अर्थ में, बाहरी अर्थ में हम समझते हैं पर्यावरण में, तो जो भौतिक तत्व है इससे कुछ ज़्यादा सूक्ष्म जल तत्व होता है। और ये जो जल तत्व हैं आप देखेंगे कि ये वायु तत्व यानी भाप से बनते हैं, यानी यह जो जल तत्व है वह भाप है, वायु तत्व है, इसीलिए यह ऊपर जाता है, वह सूक्ष्म है। और ऊपर जा कर के यह जो वायु तत्व जब मिल जाता है, और वायु तत्व कहाँ से आता है तो यह हीट से आता है, तो इसका जो स्रोत है वह हीट है, यानी ऊर्जा है। उस ऊर्जा से वह जो भौतिक तत्व है जल, वह ऊर्जा को अवशोषित करके वायु तत्व में बदल जाता है, जो मेघ का रूप धारण करता है। तो यहाँ प्रजन्याद जो है
वह वास्तव में जल तत्व नहीं है बल्कि वह ऊर्जा तत्व है। वह ऊर्जा जल अवशोषित कर ले और अवशोषित करने के बाद वो भाप बन जाए, फिर भाप जो है जुड़ करके, भाप में भी एनर्जी है, चार्ज है, वे सब जो है जब भारी मात्रा में सारे चार्ज इकट्ठे हो जाते हैं तो वह जो वायु तत्व है, वह वायु तत्व जो कि जल तत्व का से मिश्र है, मिला हुआ है, परंतु अभी ठोस आकार धारण नहीं किया है, आधा अधूरा है, वह फिर मिल करके जब ठोस आकार थोड़ा धारण कर लेगा तब फिर वह जल तत्व में बदल जाता है और बरसता है। उसी वर्षा को फिर पृथ्वी तत्व अवशोषित कर लेता है और उससे फिर अन्न उपज जाता है। तो यहाँ पर प्रजन्याद जो है वह ऊर्जा तत्व के लिए है, यानी यह हमारा दूसरा शरीर है, ऊर्जा शरीर। तो ऊर्जा शरीर से ही हमारा ये जो भौतिक शरीर का निर्माण होता है, यानी वीर कहाँ से बनता है, तो वह अगर देखा जाएगा तो ऊर्जा शरीर से बनता है। और वह जो ऊर्जा शरीर है वह हमारे भौतिक शरीर का निर्माण कर देता है वीर और रज के रूप में मिलकर के, जो क्रोमोसोम्स मिलते हैं। वे क्रोमोसोम्स क्यों मिलते हैं, वे कहाँ से ऊर्जा धारण करते हैं, हमारे बहुत सूक्ष्म स्वरूप ऊर्जा को धारण करके डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो ये जो दूसरा ता है हमारा, दूसरी परत है, यह प्रजन्याद कहलाती है। इसको श्रुति में प्राण शरीर कहा जाता है ऊर्जा को। तो तैतरीय उपनिषद में ये जो दूसरी परत है उसको बताया गया है, कहा गया है कि प्राण भी जो ब्रह्म है, जिसे अन्न को ब्रह्म कहा गया था, अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात, उसी तरह से प्राण को भी ब्रह्म कहा गया है कि प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात, प्राण भी ब्रह्म है, प्राण भी ईश्वर है। और फिर कहते हैं प्राणाध्येय खल विमानी भूतानि जायन्ते, प्राण से ही सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं। देखिए इसके पहले था कि अन्न से सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं, अब इसके बाद उसका दूसरा सूक्ष्म स्वरूप बतलाते हुए कहते हैं कि प्राण से ही यानी ऊर्जा से ही सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं। प्राणाध्येय खल विमानी भूतानि जायन्ते और प्राणेण जातानि जीवन्ति, उस ऊर्जा से ही सभी प्राणी जीते हैं। और फिर कहते हैं प्राणान प्रंत विषम विषंतीति, और प्राण के अंत होने पर फिर प्राण में ही प्रवेश कर जाते हैं, यानी फिर ऊर्जा शरीर में प्रवेश हो जाते हैं। जो दूसरा हमारा तय है, दूसरी जो परत है ऊर्जा परत, हमारा जो दूसरा शरीर है ऊर्जा शरीर, वह फिर ऊर्जा शरीर में ही मिल जाता है मरने के उपरांत। तो श्रुति में तो मरने की ही बात बता दिए हैं, यहाँ तो सिर्फ उत्पन्न की बात बताई जा रही है, भगवान ने यहाँ उत्पन्न की बात बताई है, लेकिन श्रुति में न सिर्फ उत्पन्न होने की बात बल्कि मरने के बाद क्या होगा वह भी बता दिया गया है कि जो प्राण शरीर है वो प्राण शरीर में फिर मरने के बाद मिल जाएगा। तो जो प्रजन्य है, जिसको यहाँ भगवान ने कहा है, यह प्रजन्य जो है ये श्रुति का प्राण है, और अभी जो हम लोग विज्ञान की भाषा में, आम विज्ञान की भाषा में जो बोलते हैं वह ऊर्जा शरीर है। तो प्रजन्याद अन्न संभव, तो उस ऊर्जा शरीर से ये भौतिक शरीर का निर्माण होता है, वो बनता है। अब इसके बाद बताते हैं यज्ञात भवति प्रजन्यो, और वह प्रजन्य
वह वर्षा, ये सामान्य वर्षा नहीं है, इसे मैंने बताया आपको किस तरह से वर्षा होती है, ये ऊर्जा शरीर किस तरह से वर्षा में बदलता है, तो ये ऊर्जा शरीर का वर्षा है, सामान्य वर्षा नहीं है, सामान्य वृष्टि नहीं है। तो कहते हैं यज्ञात, यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण है जिस पर आपत्तियाँ उठाई जाती हैं, यह मैं अभी बताने जा रहा हूँ। यज्ञात भवति पर्जन्यो, यज्ञ से वृष्टि होती है। तो ऊर्जा से कैसे वो वृष्टि होती है वह तो मैं बता चुका हूँ। अब यहाँ कहते हैं कि ऊर्जा से ही नहीं, यज्ञ से वृष्टि होती है, यानी हमारा जो ऊर्जा शरीर है वह कहाँ से उत्पन्न होता है, यज्ञ से, आराधना से, पूजा से। आराधना पूजा ये एक साधना है, और इसको श्रुति से अगर देखते हैं तो श्रुति में यह जो है तीसरी परत है, और इसको मनस शरीर कहा जाता है, यानी प्राण शरीर से भी सूक्ष्म जो है वह मनस शरीर है। तो तैतरीय उपनिषद में इस विषय में लिखा है कि मनो ब्रह्मेति व्याजानात्, मन को ईश्वर ही जानो। मनसो हैवे खल विमानी भूतानि जायन्ते, मन से ही सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं। मनसा जातानि जीवन्ति, और मन से ही वे जिंदा रहते हैं। इसके पहले बताया था कि प्राण से जिंदा रहते हैं, उसके पहले बताया था अन्न से जिंदा रहते हैं और अन्न में प्रविष्ट हो जाते हैं, प्राण में प्रविष्ट हो जाते हैं मरने के बाद। अब कहते हैं कि मन से ही वे जिंदा रहते हैं, और मन अपरंत भीषम विशंतिति, और मरने के बाद वे मन में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। यानी उसकी जो मृत्यु होगी, उसका जो रूपांतरण होगा तीसरे परत का, तो वो मन जो है वो मन में मिल जाएगा। मन अर्थात चेतना जगत। तो कह रहे हैं कि वह उसमें मिल जाएगा, तो यज्ञ से वह प्रजन्य उत्पन्न होगा, यज्ञ से हमारा ऊर्जा शरीर उत्पन्न होता है, यानी मन से हमारा ऊर्जा शरीर उत्पन्न होता है। और यहाँ यज्ञ जो है वह मनस शरीर को यज्ञ कहा गया है, आराधना कहा गया है। मन से ही हम आराधना करते हैं, चेतना से ही आराधना होती है। आराधना का सारा खेल जो है, यज्ञ का सारा खेल वो चेतना से है। तो चेतना से ही यह जो है वृष्टि होती है ऊर्जा शरीर की, यह कृपा वृष्टि है, यह सामान्य वृष्टि नहीं है, यह कृपा वृष्टि है। और सामान्य शरीर जो बाहर है उसके विषय में बता ही दिया हूँ कि किस तरीके से प्राण से जो है वो जल का निर्माण होता है, ऊर्जा से कैसे जल का निर्माण होता है, जल कैसे अवशोषित करेगा, वो कैसे भाप बनेगा, वायु में तब्दील होगा, फिर वायु जो है मिलेंगे, चार्ज सब मिलेंगे, और फिर पुनः जो है संगठित होकर के जल तत्व तो बन जाएंगे। और वह ये सब जो ये जो ऊर्जा है वह कहाँ से है, तो ऊर्जा मनस शरीर से है। इस मनस शरीर पर अभी विज्ञान काम नहीं कर पा रहा पूरा, लेकिन कुछ हद तक इसमें शोध हो रहे हैं, चेतना जगत पर कुछ शोध हो रहे हैं। तो ये जो यज्ञ है, आराधना पूजा है, यह चेतना जगत का है स्वरूप, तो इसी से प्रजन्य होता है, इसी से ऊर्जा का निर्माण होता है। यज्ञाद भवति प्रजन्यो, सबसे जो विवादित जो पद था वो यही था। और यहाँ पर ये जो यज्ञ है यह चेतना है, और यह जो प्रजन्य है यह ऊर्जा शरीर है, चाहे ऊर्जा हमारे प्राणी जीवित प्राणी की अगर हम बात करें तो लें, या बाहर के किसी प्राणी
की बात करें तो लें या बाहर के भौतिक तत्वों को लें, तो भौतिक रूप से ही जो ऊर्जा है और या जैविक ऊर्जा है उसको लें, तो यह चेतना से यह ऊर्जा शरीर का निर्माण होता है। और आप कहते हैं उस चेतना का निर्माण कहाँ से होता है, तो कहते हैं यज्ञ कर्म समुद्भव। यज्ञ जो है कर्म के समुदाय से उत्पन्न होता है। अब यहाँ जो कर्म है यह यज्ञ से भी सूक्ष्म है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भगवान ने बताया है कि ये जो आराधना है इससे भी, ये पूजा है इससे भी सूक्ष्म है कर्म समुद्भव, कर्म के समुदाय। और वह कर्म क्या है अगर हम श्रुति से देखें तो इसकी जो दूसरी, इसकी जो परत है इसके बाद की, मनस परत के बाद की बात है, यह चौथी परत है, इसके विषय में है यह विज्ञान से उत्पन्न होता है। कहे विज्ञानम ब्रह्मेति व्यजानात्, विज्ञानाध्येय खल्विमानी भूतानि जायन्ते। कहते हैं विज्ञान जो है वह ईश्वर है और विज्ञान से ही सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं, विज्ञान से ही सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं। और उसके सूक्ष्मता पर जाएंगे, ऊर्जा के तल पर गए, ऊर्जा से जो है हम चेतना के तल पर गए और चेतना से भी और ज़्यादा सूक्ष्म क्या है, विज्ञान है। विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान कहते हैं ये इस पूरे अस्तित्व का जो संविधान है, यह जो लॉ है, फेनोमेनन है, जिससे कि चेतना या पदार्थ क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, घटना घटती है, वह है पूरे अस्तित्व का संविधान विज्ञान है। वो कहते हैं कि उससे ही ये सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं, विज्ञाने न जातानी जीवन्ति, और विज्ञान में ही सारे प्राणी जीते हैं। और फिर बाद में विज्ञानम प्रंतभीषम विशंतिति, और विज्ञान में ही सब फिर प्रविष्ट हो जाते हैं, फिर उसी विज्ञान में लय हो जाते हैं। यानी यह जो चौथे तह का जो लय होना है, अन्न जो है वो अन्न में लय हो जाएगा, ऊर्जा ऊर्जा में लय हो जाएगी, चेतना चेतना में लय हो जाएगी, और उससे जो सूक्ष्म है विज्ञान वह विज्ञान में लय हो जाएगा। यदि उसका रूपांतरण उस स्तर तक पहुंच गया है तो सामान्य जो मृत्यु जो हम लोग देखते हैं तो वह तो सिर्फ बाहरी परत का, भौतिक अन्न परत का देखते हैं, ऊर्जा शरीर का दूसरे स्तर पर हो सकता है, लेकिन मनस शरीर तो बना रहता है जिसको यहाँ पर यज्ञ कहा गया है। तो अब यहाँ कहते हैं कि ये जो यज्ञ है, ये जो चेतना है, यह कहाँ से, यह विज्ञान शरीर से उत्पन्न है, चेतना से भी सूक्ष्म विज्ञान है। तो कहते हैं यज्ञ कर्म समुद्भव, वह जो चेतना है वह कहाँ से उत्पन्न है, वह विज्ञान से उत्पन्न है, कर्म समुद्भव से। और कर्म यहाँ पर क्या है, विज्ञान है। तो उसके तो कर्म के जो संस्कार हैं वो काफ़ी गहरे हैं, विज्ञानमय है, तो बहुत गहराई से वो कर्म उत्पन्न होते हैं, वह प्रेरणा उत्पन्न होती है। तो उस प्रेरणा तक भगवान हमें यहाँ ले गए हैं। और इसके बाद जो पांचवी परत है, वह इसके अगले श्लोक में हम देखेंगे और जो आगे की परतें हैं। तो यहाँ पर है कि यह जो यज्ञ है वह कर्म से उत्पन्न होते हैं, कर्म जो है विज्ञानमय है, उससे यह उत्पन्न होते हैं। तो यह जो यहाँ पर विवादित मामला था तो उसका मैंने इस तरह से निराकरण किया है।
ये जो यज्ञ शब्द है तो सामान्य अर्थ में तो यजन से मतलब है, और उसको दान तप आदि जो क्रियाएं हैं इसके उपलक्षक के रूप में इसे माना जाता है शास्त्रवेद क्रियाओं का। और जो यहाँ पर कर्म समुद्भव है वह जो है जो निष्काम भाव से जो हम कर्म करते हैं, निष्काम भाव से जो हम यज्ञ कर रहे हैं लौकिक या शास्त्री, वे सभी यज्ञ को उत्पन्न करने वाले हैं। तो जो भी व्यक्ति जो भी कर्म करे यदि वह निष्काम भाव से करे तो वह आराधना हो जाती है। यदि कोई चिकित्सक है तो वह निष्काम भाव से अपने मरीज की चिकित्सा करे तो वह यज्ञ हो जाता है। यदि कोई पुजारी पुरोहित है निष्काम भाव से अपने यजमान के लिए पूजा हवन कर दे तो वह यज्ञ हो जाता है। यदि कोई आचार्य प्राचार शिक्षक है निष्काम भाव से विद्या का दान करता है तो वह भी यज्ञ हो जाता है। तो ये जो कर्म के समुदाय हैं जिससे यज्ञ उत्पन्न होता है तो वह निष्काम भाव होना चाहिए, भगवान का ही मतलब है। यदि हम दान दें निष्काम भाव से बिना किसी अपेक्षा उम्मीद के तो जो दानी है उसका यह कर्म जो है यज्ञ हो जाता है। निष्काम भाव से युद्ध करने से भी वह यज्ञ हो जाता है। यदि हम भोगों का दमन करें शमन करें तो वह यज्ञ हो जाता है। यदि हम दया करें करुणा करें तो वह यज्ञ हो जाता है। तो यह जो कर्म समुद्भव है, कर्म समुदाय है, उससे इसकी उत्पत्ति होती है यज्ञ की। यही भगवान का यहाँ पर तात्पर्य है। और जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वे यज्ञ करते हैं, अपने निष्काम कर्म से संदेश देते हैं, करके संदेश देते हैं, दिखाते हैं। भगवान ने कहा यद्यद्याचरति श्रेष्ठः तत्तत्तैव इतरो जनः। जिस जिस तरह से श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करते हैं वैसे ही सामान्य आदमी भी प्रेरित होकर के करते हैं। तो जो श्रेष्ठ लोग हैं उनके पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। अगर श्रेष्ठ लोग ही भटक जाएं तो फिर नीचे के लोग हताश निराश हो जाएंगे। और नीचे के लोग किसी को श्रेष्ठ आसानी से नहीं मानते हैं, वे उसमें दोष निकालते ही रहते हैं। उनकी सारी आँखें खोजती हैं, पूरे समाज की सभी आँखें खोजती हैं दोषों को, क्योंकि वे उसे गिराना चाहते हैं। वे यह मानने को तैयार नहीं हो सकते कि कोई श्रेष्ठ हो सकता है, क्योंकि मनुष्य स्वयं को श्रेष्ठ मानता है। परंतु समाज उसे श्रेष्ठ तभी कहता है, समाज के सामने तभी झुकता है जब समाज उसमें कोई दोष नहीं निकाल पाता। और ऐसा तब जब वह निष्काम कर्म से आचरण करता है, व्यवहार करता है, न्याय अन्याय में वह कोई गलती नहीं करता, वो मुँह देखी नहीं करता, अपनों जो अपने हैं उसके साथ भी उसी तरह से उसी सिद्धांत से उसी विज्ञान के साथ व्यवहार करता है। यह ही कर्म समुद्भव है, यही जो श्रेष्ठ आचरण है, यह जो है प्रेरणा स्रोत है यहाँ। तो यह यज्ञ जो है आज कर्म
समुदाय से।